माई सेल्फ डॉक्टर मंजू मीना असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा आज हम एन एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत कपलिंग कॉन्स्टेंट एवं एरियाज ऑफ सिग्नल्स के बारे में अध्ययन करेंगे सर्वप्रथम हम देखते हैं कि कपलिंग कॉन्स्टेंट क्या होता है कपलिंग कॉन्स्टेंट किसी मल्टीप्लेट के निकटतम दो शिखरों के केंद्र बिंदुओं की मध्य की दूरी को कपलिंग कॉन्स्टेंट कहते हैं और इसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं जे का मान हम हर्ट्स में मापते हैं और यह है युग्मन करने वाले प्रोटॉन एवं उनके रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि एन स्पेक्ट्रम सिक्सटी मेगा पर लिया गया है या हंड्रेड मेगा पर लिया गया है या टू हंड्रेड फिफ्टी मेगा पर लिया गया है कुछ प्रमुख प्रकार के निकटवर्ती प्रोटॉन एवं उनके लिए जे के मान को हम सारणी में देख सकते हैं जैसे कि एलकेन के अंतर्गत जैम प्रोटॉन के अंतर्गत जे का मान आता है टेन टू अट्ठारह यह इस बात पर निर्भर करता है कि सी एस टू से जुड़े हुए दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता का मान क्या है इसी प्रकार से विसिनल प्रोटोन ए और बी इनके बीच का जे ए बी का हर्ज में मान डाई कोण पर निर्भर करता है यदि ये समूह और श्रृंखला में मुक्त घूर्णन हो तो इसमें जे का मान आता है एट टू एट हर्ज इसी प्रकार जेमिनल एल्कीन में हाइड्रोजन ए और बी के अंतर्गत कपलिंग का मान लगभग टू के बराबर होता है एल्किन के अंतर्गत सिस प्रोटोन ए और बी के अंतर जे का मान आता है फाइव टू फोर्टीन के बीच में इसी प्रकार से ट्रांस एल्किन में ए और बी प्रोटोन का कपलिंग कांस्टेंट का मान इलेवन टू नाइन हर्ट्स के बराबर आता है इसी प्रकार से एल्किन में सिस प्रोटोन ए और बी का कपलिंग कांस्टेंट फाइव टू फोर्टीन हर्ट्स होता है इसी प्रकार से ट्रांस एल्किन में प्रोटॉन ए और बी का बीच कपलिंग कांस्टेंट का मान 11 टू 19 हर्च के मध्य आता है इसी प्रकार से प्रोटॉन ए और बी बेंजीन के अंतर्गत यदि पोजिशन पर निकाले तो कपलिंग कांस्टेंट का मान सेन सेवन टू टेन के बीच में आता है इसी प्रकार मेटा के अंतर्गत टू से थ्री के मध्य आता है और पैरा ए बी हाइड्रोजन का मान कपलिंग कॉन्स्टेंट का मान जीरो से वन के बीच हर्ज होता है यदि दो निकटवर्ती प्रोटोनों की सिफ्ट के रासायनिक शिफ्ट के हर्ज में मान पर्याप्त अंतर हो जैसे कि हम यहाँ दे सकते हैं कि यहाँ पर दोनों प्रोटोनों के बीच डेल्टा वी या डेल्टा एक्स का मान में काफ़ी अंतर है अर्थात डेल्टा वी का मान उच्च हो तो उन्हें दूर दूर के अक्सर ए और एक्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं इनके लिए डेल्टा एक्स और डेल्टा जे एक्स का मान डेल्टा ए एक्स की तुलना में जे एक्स का मान काफ़ी कम होता है ऐसी स्थिति में दोनों प्रोटोनों के नियमित द्विक या डपलेट प्राप्त होते हैं और उनके युग्मन स्थिरांक जे एक्स के मान समान होते हैं यदि दो निकटवर्ती प्रोटोनों के रासायनिक कमान में कम अंतर हो तो निकटवर्ती अक्षर ए और बी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर कपलिंग कांस्टेंट एवं डेल्टा ई ए बी का मान लगभग बराबर होता है और इनकी दिक भी नियमित नहीं होते हैं जैसा कि हम इन चित्र में देख सकते हैं कि इनके बीच वाले शिखर तो लंबे हैं जबकि साइड के शिखर छोटे होते हैं जैसे जैसे एट डेल्टा वी अपॉन जे का मान घटता जाता है तो दोनों डबलेट एक दूसरे के नज़दीक आते जाते हैं जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर फाइव पॉइंट जीरो है फिर फोर है थ्री टू वन और जीरो तो ये इनका अंतर कम होता जाता है और ये एक दूसरे के नज़दीक आते जाते हैं साथ ही बीच के शिखर लंबे व साइड के शिखर छोटे होते जाते हैं इस प्रकार पहले ये क्वार्टरेट का आभास देते हैं फिर ये डबलेट जैसा प्रतीत होते हैं और अंत में दोनों की और प्रतीत होते हैं जब डेल्टा अपॉन जे का मान शून्य हो जाता है अर्थात दोनों प्रकार के प्रोटोनों की प्रकृति क्या होती है समान हो जाती है तब एक ये, ये सिंग्लैंड की आकृति ग्रहण कर लेता है किसी यौगिक के स्पेक्ट्रम में चारों सिखरों या पीक्स का एक झुंड वास्तव में क्वार्टरेट अथवा दो डबलेट यह ज्ञात करने के लिए लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र की, की तीव्रता को बढ़ाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की, की तीव्रता बढ़ाने से डेल्टा वी का मान तो बढ़ जाता है लेकिन जे का मान अप्रभावित रहता है अतः इस झुंड के चारों शिखर दो डबलेट के रूप में पृथक हो जाते हैं इस प्रकार से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये क्वाट्रेट है या डबलेट है नेक्स्ट हम देखते हैं एरियाज ऑफ सिग्नल्स किसी अणु में विद्वान प्रोटोनों का वातावरण अगर समान है तो उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं भी समान होती हैं और प्रोटोन इस, प्रोटोन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम में ये प्रोटोन समान चुंबकीय क्षेत्र में अवशोषण दर्शाते हैं अतः है इनके रासायनिक शिफ्ट का मान भी समान होते हैं ऐसे प्रोटोनों को रासायनिक रूप से तुल्य या केमिकली इक्विलेंट अथवा रासायनिक शिफ्ट तुल्य केमिकल शिफ्ट इक्विवेलेंट प्रोटोन कहते हैं रासायनिक तुल्य प्रोटोनों में यदि किसी एक प्रोटोन को अन्य समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो केवल एक ही उत्पाद प्राप्त होता है जिसका कोई अन्य समावी रूप संभव नहीं है उदाहरण के लिए सी एच ओर मैथेन एथेन साइक्लोहैक्सेन आदि अणु में विद्वान समस्त प्रोटोन परस्पर तुल्य हैं जैसे कि हम देख सकते हैं कि मैथिन के क्लोरिनीकरण करवाने पर मैथिल क्लोराइड प्राप्त होता है इसी प्रकार से एथेन के क्लोरिनीकरण करवाने पर एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है इसी प्रकार से सी सिक्स एच के क्लोरिनीकरण करवाने पर सी सिक्स एच फाइव सी एल प्राप्त होता है अर्थात इसके अंदर कोई समावी रूप हमें प्राप्त नहीं हो रहा है जो कि रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटीन है अतः इन सब में एक ही प्रकार के प्रोटोन हैं और ये एन स्पेक्ट्रम में वन वन सिग्नल को ही दर्शाते हैं लेकिन प्रोपेन में ऐसा संभव नहीं है इसमें दो प्रकार के प्रोटोन हैं यदि इसके एक प्रोटोन को सी एल द्वारा विस्थापित किया जाए तो ये दो समीवी बनाएगा जैसे कि हम यहाँ देखें कि सी एल टू के द्वारा विस्थापन के द्वारा एन एल्केन और आइसो एन एल्केन क्लोराइड और आइसो एल्केन क्लोराइड का निर्माण होता है अतः है, इसमें दो प्रकार के प्रोटोन हैं यह पी है एम आर स्पेक्ट्रम में दो प्रकार के सिग्नल दर्शाता है जहाँ पर सी एस थ्री और सी एस थ्री ए नंबर का प्रोटोन से दर्शाया गया है और सी एस टू को हम बी के द्वारा दर्शाए गए हैं वाइनिल क्लोराइड में कुल तीन प्रोटोन है और ये तीनों ही रासायनिक या रासायनिक शिफ्ट की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न है यहाँ हम देख सकते हैं कि जब इसका क्लोरीनीकरण करवाया जाता है तो इस प्रकार से प्रोडक्ट का निर्माण होता है जिसमें जैम पोसी है जैमिनल है ट्रांस है क्लोराइड के साथ और क्लोराइड के साथ सिस उत्पाद प्राप्त होते हैं अतः है इसमें तीन प्रकार के प्रोटोन हैं और यह पीएमआर स्पेक्ट्रम में भी तीन सिग्नल दर्शाएगा कभी कभी अणु में दो प्रकार के प्रोटोन होने पर भी वह एक ही सिग्नल देकर एक प्रकार के प्रोटॉन होने का संकेत देता है जैसा कि साइक्लोहैक्सेन इसमें दो प्रकार के प्रोटॉन होते हैं अक्षीय या एक्जियल एवं निरक्षीय या इक्विटोरियल लेकिन सामान्य कमरे के ताप पर वह एक ही सिग्नल दर्शाता है इसका कारण क्या है कि साइक्लोहेक्सेन दो प्रकार के संरूपों या कन्फर्मेशन में पाया जाता है बोट रूप में और दूसरा चेयर रूप में और इन दोनों की ऊर्जा में मात्र फाइव किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा का ही अंतर होता है जो कि सामान्य कमरे के तापमान इन्हें आसानी से मिल जाती है और ये दोनों रूप एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं इस प्रकार अंतर परिवर्तन में एक स्वरूप का अक्षीय हाइड्रोजन दूसरे स्वरूप के निरक्षीय हाइड्रोजन में या एक का निरक्षीय हाइड्रोजन दूसरे के अक्षीय हाइड्रोजन में परिवर्तित होता रहता है अतः एन स्पेक्ट्रम में केवल एक ही सिग्नल प्राप्त होता है यदि साइक्लोहेक्जेन का एन स्पेक्ट्रम कम ताप अर्थात माइनस हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लिया जाए तो स्पष्ट रूप से दो सिग्नल प्राप्त होते हैं इसका कारण यह है कि इतने कम ताप पर कुर्सी एवं नाव स्वरूप परस्पर एक दूसरे में अंतर परिवर्तित नहीं हो पाते अतः अक्षीय एवं निरक्षीय हाइड्रोजन परमाणु के दो सिग्नल प्राप्त होते हैं किसी अणु में रासायनिक तुल्य या रासायनिक सिफ्ट तुल्य प्रोटोनों के जितने प्रकार होते हैं प्रयोगिक एम स्पेक्ट्रम में उतने ही संकेत या सिग्नल दर्शाता है इसे स्पष्ट करने के लिए कुछ यौगिक उनके सूत्र एवं एनएमआर संकेतों की संख्या को निम्न सारणी में दर्शाया जा रहा है जैसे कि हम एथिल क्लोराइड में देखें यहाँ पर दो प्रकार के प्रोटोन होंगे सी एस टू और सी एस थ्री में ये ए प्रकार का प्रोटोन है बी प्रकार का प्रोटोन अतः एन एम आर में सिग्नलों की संख्या कितनी प्राप्त होगी हमें दो एन प्रोपिल क्लोराइड में हम देखें तो यहाँ पर तीन प्रकार के प्रोटोन होंगे तो एन एम आर संकेतों की संख्या कितनी होगी तीन आइसोप्रोपिल क्लोराइड में देखें तो यहाँ पर दो प्रकार के ही प्रोटोन होंगे सी एस थ्री और सी एस ए टाइप का प्रोटोन होगा तो सी एस दूसरी टाइप का अतः एन एम आर में संकृतों की संख्या भी टू होगी आइसोब्यूटिलीन के अंतर्गत भी दो प्रकार के प्रोटोन होंगे सी एस थ्री सी एस वाले ए एक ही तरह के एन्वायरमेंट या रासायनिक तुल्य प्रोटोन होंगे और एच एस दूसरे प्रकार के अतः एन एम आर में दो सिग्नल प्राप्त होंगे टू ब्रोमोप्रोपीन यहाँ पर तीन प्रकार के प्रोटोन होंगे बी आर के सापेक्ष जैमिनल ट्रांस और सिस पोजिशन में अतः तीन एनएमआर संकेतों की संख्या प्राप्त होगी इसी प्रकार से ईथर में दो प्रकार के प्रोटोन अतः दो ही एन एम आर संकेत हमें प्राप्त होते हैं एसीटोन में देखें तो यहाँ पर भी एक प्रकार का प्रोटोन मौजूद है अतः एक ही एन एम आर संकेत प्राप्त होता है साइक्लोप्रोपिन में एक ही प्रकार के प्रोटोन है अतः यहाँ भी एक एनएमआर संकेत प्राप्त होता है मैथिल साइक्लोप्रोपीन के अंतर्गत चार प्रकार के प्रोटोन हैं जैसे कि हम यहाँ दर्शा सकते हैं कि सी एस थ्री ए टाइप का प्रोटोन होगा इसी प्रकार से अपर साइड या एच और ये वाला एच दूसरे टाइप का हो जाएगा इसी प्रकार से एच और एच ये तीसरे टाइप का हो जाएगा और सी एस थ्री के जस्ट अपोजिट साइड एच वाला चौथा टाइप का प्रोटोन हो जाएगा अतः यहाँ चार एन एम आर संकेत हमें प्राप्त होंगे पैराजाइलिन में देखें तो यहाँ दो प्रकार के प्रोटोन होंगे सी एस थ्री सी एस थ्री वाले एक तरह के केमिकल एन इक्वेलेंट होंगे और ये चारों एक तरह का होंगे अतः दो एन आर संकेत हमें प्राप्त होते हैं इसी प्रकार पैराक्लोरोलोइन में तीन प्रकार के सिग्नल प्राप्त होंगे क्योंकि यहाँ हमें तीन प्रकार के प्रोटोन दिखाई दे रहे हैं सी एस थ्री और सी एस थ्री यहाँ पर देखें तो ये दोनों एक तरीके के होंगे और ये वाले दोनों तरीके के होंगे क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ सीएल होगा रासायनिक तुल्य या रासायनिक सिफ्ट तुल्य प्रोटोनों को हम होमोटोपिक प्रोटोन भी कहते हैं यदि किसी यौगिक के दोनों हाइड्रोजन परमाणु में से एक एक का प्रतिस्थापन समान समूह जेड से करवाएं तो हमें प्रतिबिंब रूपी यौगिकों का युग्म या एनाशोमर पेयर बनता है तो ऐसे प्रोटोनों को एनएंशियोटोपिक प्रोटोन कहते हैं जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों एनशियोटोपिक प्रोटोन हैं यदि एक प्रोटोन का जेड द्वारा विस्थापन कर दिया जाए तो हमें एनशियोमर या प्रतिबिंब रूप प्राप्त होते हैं यदि दो हाइड्रोजन में से किसी एक एक हाइड्रोजन को किसी समान समूह जेड से प्रतिस्थापित किए जाए और उससे विवरण समय प्राप्त हो तो उन हाइड्रोजन परमाणुओं को डाइस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन कहा जाता है हमने फर्स्ट ईयर क्लास में देखा था कि विमृति समावेश क्या होते हैं जो कि एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब समावी नहीं है वो विवृंब समावी कहलाते हैं जैसा कि हम यहाँ देखें कि यहाँ दो असमान मान डाइस्टीरियोटोपिक प्रोटोन है जिसका जेड द्वारा प्रतिस्थापित या जैड जैसे कि सी द्वारा प्रतिस्थापित करवाया जाए तो हमें बिम्बिंब समावे प्राप्त होते हैं जो कि एक दूसरे के ये दर्पण प्रतिबिंब समावी रूप नहीं है किसी एक अणु में समान रासायनिक शिफ्ट देने वाले प्रोटोनों की संख्या जितनी उच्च होती है उस सिग्नल या संकेत या शिखर का क्षेत्र उतना ही अधिक होता है एनएमआर स्पेक्ट्रम में इन शिखरों का क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक समाकलन वक्र या इंटीग्रेशन कर होती है जिसके वर्ग गिनकर सीधे ही उस शिखर के क्षेत्रफल का परिकलन हो जाता है भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटोनों की भिन्न भिन्न संख्या के आधार पर इनके एन स्पेक्ट्रम में विभिन्न शिखरों के क्षेत्र के अनुपात के आधार पर अणुओं में विद्वान समान सिफ्ट प्रोटोनों की संख्या को ज्ञात किया जा सकता है जैसे प्रोपेन में ए प्रोटोन की संख्या कितनी है थ्री प्लस थ्री सिक्स व बी टाइप के प्रोटोनों की संख्या दो हैं अतः अच्छा इसके एन स्पेक्ट्रम में डेल्टा पॉइंट नाइन व डेल्टा वन पॉइंट थ्री पर दो संकेत प्राप्त होंगे जिनके स्टिकर क्षेत्र का मान सिक्स रेस टू टू या थ्री रेस टू वन के अनुपात में होगा कुछ अन्य उदाहरण यहाँ पर निम्न प्रकार हैं जैसे हम टाइलुइन देखें यहाँ पर दो प्रकार के प्रोटोन हैं ए टाइप के प्रोटोनों की संख्या कितनी है यहाँ पर थ्री और बी टाइप के प्रोटोनों की संख्या है फाइव वन टू थ्री फोर और फाइव अतः शिखर क्षेत्र का मान होगा थ्री रेज टू फाइव और इसका सिग्नल हमें प्राप्त होता है डेल्टा ए का होता है टू पॉइंट टू और बी टाइप के प्रोटोन का होता है सेवन पॉइंट वन पैराजाइलिन के अंतर्गत देखें तो यहाँ पर ए टाइप के प्रोटोनों की संख्या कितनी है सिक्स थ्री प्लस थ्री और बी टाइप के प्रोटोनों की संख्या है फोर अतः इसका अनुपात हो जाएगा सिक्स रेस टू फोर या थ्री रेस टू टू अतः डेल्टा का मान प्राप्त होगा ए टाइप के प्रोटोनों का टू पॉइंट टू के आसपास और बी प्रकार के प्रोटोनों का डेल्टा का मान प्राप्त होता है सेवन पॉइंट जीरो मैसेटिल में देखें तो यहाँ पर भी दो प्रकार के प्रोटोन हैं जिसमें ए प्रकार के प्रोटोनों की संख्या है नाइन और बी प्रकार के प्रोटोनों की संख्या कितनी है थ्री अतः रेसो होगा शिखर क्षेत्र का थ्री रेस टू वन और इसके सिग्नल हमें प्राप्त होते हैं डेल्टा स्केल पर एक प्रोटोन का प्राप्त होता है टू पॉइंट टू पी और बी टाइप के प्रोटोनों का प्राप्त होता है सिक्स पॉइंट सेवन पर इसी प्रकार से पैरा तृतीय ब्यूटिल टालुइन के अंतर्गत देखें तो यहाँ तीन प्रकार के प्रोटोन हैं ए टाइप के प्रोटोनों की संख्या होगी थ्री थ्री और सॉरी थ्री और बी टाइप के प्रोटोनों की संख्या है वन टू थ्री फोर और सी टाइप के प्रोटोनों की संख्या है नाइन अतः सिका क्षेत्र में अनुपात होगा थ्री रेस टू फोर रेस टू नाइन यहाँ एक प्रकार के प्रोटोनों का एन क्षेत्र में सिग्नल डेल्टा स्केल पर टू पॉइंट टू पर प्राप्त होता है बी का सेवन पॉइंट वन पर और सी का वन पॉइंट थ्री पर प्राप्त होता है इसी प्रकार पैराजाइलिन में देखें तो हम यहाँ पाते हैं कि यहाँ पर भी तीन प्रकार के प्रोटोन है ए।, ए प्रकार के प्रोटोनों की संख्या है सिक्स बी प्रकार के प्रोटोनों की संख्या है फाइव और सी प्रकार के प्रोटोन की संख्या कितनी है वन अतः शिकर क्षेत्र में अनुपात होगा सिक्स रेश टू फाइव रेस टू वन ए प्रकार के प्रोटोनों का एन क्षेत्र में सिग्नल वन पॉइंट थ्री पर प्राप्त होता है बी प्रकार के प्रोटोन का सी पर और सी प्रकार के प्रोटोन का टू पर प्राप्त होता है वन फोर साइक्लोहेक्साडाइन के अंतर्गत देखें तो यहाँ दो प्रकार के प्रोटोन हैं ए और बी जिसमें ए प्रोटोनों की संख्या है फोर और इसी प्रकार बी प्रोटोनों की संख्या भी है फोर अतः शिक्षक क्षेत्र में अनुपात प्राप्त होगा वन रेस टू वन ए प्रकार के प्रोटोन एनमार क्षेत्र में टू पॉइंट टू पर सिग्नल दर्शाते हैं और बी प्रकार के प्रोटोन सेवन पॉइंट जीरो पर सिग्नल अपना दिखाते हैं थैंक यू